भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसका नाम है इंदिरा फॉल। ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। क्या नाम है? इंदिरा फॉल। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा फॉल, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ये जैसे उत्तर हो गया, ये भारत का दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कौन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहां अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बालानूर, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बालानूर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में, नाम है सर क्रीक पॉइंट, सर क्रीक पॉइंट। इस तरह से भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा फॉल, जो कि जम्मू कश्मीर है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है बालांगू अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक पॉइंट, जो कि गुजरात में। अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण चल लें तो कितना चलेंगे? 3214 किलोमीटर चलेंगे। अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण को चल लें पूरा, तो क्या आप कितना चलेंगे? 3214 किलोमीटर। अगर हम भारत के पूरब से पश्चिम चल लें तो टोटल 2933 किलोमीटर चलेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर, भारत की पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। अब जैसे पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारत के उत्तर में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। देखिए, भारत के उत्तर में जो देश है वो है नेपाल, भूटान और चाइना। भारत के उत्तर में जो देश है नेपाल, भूटान और चाइना। भारत के जो पूर्व में देश है वो है म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के जो पश्चिम में देश है वो है पाकिस्तान। अफगानिस्तान उत्तर और पश्चिम में आता है, जो कि केवल जम्मू कश्मीर को टच करता है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। तो इसका सीमा से नहीं लगा, केवल जल की सीमा से लगा। इस तरह से भारत देश जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।